नियम करते हैं, बाहर लोग उसको कर्मकांड कहते हैं, इससे जीवन में एक अनुशासन आता है। जिसकी उपासना है उसके आदर्शों पर अपना जीवन बनते चला है, तो इसको श्रद्धा पूर्वक करना है। छोटा बड़ा कोई भी हो अपने हिंदू समाज में, कुछ ना कुछ उसका नियम रहता है। जितनी अपेक्षा उतना नहीं कर पाता होगा, लेकिन कुछ तो वो करता है, क्योंकि स्मरण रखना ये भी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना है। और श्री राम तो हमारे रामो विग्रहवान धर्मा ऐसा कहा है, तो जिस धर्म को सारी दुनिया को अपने देश को देना है, उस धर्म का आचरण सब परिस्थितियों में सब संदर्भों में कैसे होगा, ये प्रभु श्री राम के चरित्र से हमको पता चला। उसका स्मरण, उसका गायन जितना करेंगे उतना उनके जैसा होने की राह पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा तो कल्याण होगा ही, लेकिन हमारे देश का, राष्ट्र का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करने के लिए भी हम समर्थ हो गए। राम मंदिर का आग्रह भी अपना इसी लिए था। तो आप ये करते हैं, मैं दूसरा काम करता हूँ, इतना नियमित इन बातों में नहीं हो पाता, इसलिए आपको मैं वंदन करता हूँ। आपने एक बात मुझे बताई है कि आपको वहाँ सुंदरकांड का पाठ उस दिन करना है। ऐसा है कि मंदिर बनाने का आंदोलन, इसमें तो हम थे, जिस दिन निर्णय आ गया उस दिन हमारा काम समाप्त हो, बात सिरे चढ़ गई, मंदिर बनेगा, तो हम अब बिल्कुल अलग रहते हैं, मिलते हैं, ट्रस्ट है, ट्रस्ट सारे निर्णय करता है। तो ट्रस्ट के पास में आपकी दलील जरूर पहुंची, क्या करना वो निर्णय होता है, क्योंकि मान लीजिए प्रधानमंत्री आते उस कार्यक्रम में, तो सिक्योरिटी वगैरह सारी बातें नहीं थी, उनको बहुत ही जानते, वो क्या करेंगे वो जाएंगे, लेकिन मैं बता दूंगा। तो इसलिए 1833 बार पाठ कर चुकी एक मंडली है कलकत्ता में, नियमित करती है, यहाँ गोवर्धन पीठ में 28 बार उसने किया है, तो उसकी भी यहाँ अंतरकरण का पाठ करना चाहते हैं, तो गुंजाइश है तो आप जरूर विचार कीजिए, ऐसा मैं हमको कहूँ, इतना मैं बताता हूँ। और कुछ कम ज्यादा हुआ हो तो आप सभी और महाराज जी भी क्षमा करें, इतनी बात के अपने वाणी को बनाए।